कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिस तरह हम लोगों ने स्टार्ट किया था रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D से, और कल हम लोगों ने क्वेश्चन किया था मोशन इन 1D पर, ओके। तो उस तरह से आज भी कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग, और फिर रेन अम्ब्रेला और रेन बोट प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कीजिए आप लोग। ये मान लीजिए आपका एक ट्रैक है जो कल बताए थे उसी पर है, तो यहां पर मान लीजिए जो बस है वो आगे जा रही है, और यहां जो बस का एक्सेलरेशन यहां पे गिवन है, वेलोसिटी नहीं, जिस तरह कल भी क्वेश्चन में आपका एक्सेलरेशन था, तो उस तरह यहां मान लीजिए ए का वैल्यू दिया यहां पे 1 m/s² 1 m/s² और इसके पीछे जो भी आपका पैसेंजर है या जो भी एक बॉय है जिसको बस कैच करना है वो दौड़ रहा है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी भी गिवेन है। इसकी वेलोसिटी मान लीजिए आप 15 m/s कितना है, 15 m/s। तो आपको बताना है कि आफ्टर व्हाट टाइम, ठीक है, टाइम का वैल्यू बताना है कि आफ्टर व्हाट टाइम, आफ्टर विच टाइम, ठीक है, आफ्टर व्हाट टाइम द बॉय विल कैच द बस, ठीक है, ये बस है और ये मैन मान लीजिए, ठीक है, इंसान दौड़ रहा है 15 m/s के स्पीड से, और यहां पर जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो भी गिवन है आपका, ठीक है, रिलेटिव डिस्टेंस भी आप मान लीजिए कुछ भी, यहां पे जो रिलेटिव डिस्टेंस है ये आपका वैल्यू है मान लीजिए 150 m। तो जब बस स्टॉप पर थी तो 150 m पहले आपका पैसेंजर एक छूट गया, अब जैसे बस आपका एक्सेलरेट हुआ, बस चलना शुरू किया, तो 150 m पीछे से जो मैन है, जो पैसेंजर, दौड़ना शुरू किया विद द स्पीड ऑफ, इनिशियल स्पीड ऑफ 15 m/s, और यहां पर बस का एक्सेलरेशन है, मतलब क्या, बार बार जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, जैसे यहां पर v-u, मान लीजिए बस का स्पीड हुआ 10, तो आफ्टर सम टाइम इसका स्पीड जो भी हुआ मान लीजिए 12, तो 12 - 10 क्या होगा आपका, टाइम का वैल्यू मान लीजिए 2, तो एक्सेलरेशन क्या होगा 1 m/s², मतलब यहां पर बार बार वेरिएबल स्पीड है, जो बस का है बार बार वेरिएबल स्पीड है, पर उसका जो एक्सेलरेशन गिवन है दैट इज व्हाट 1 m/s², तो आफ्टर हाउ मच टाइम द मैन विल बी एबल टू कैच द बस। यहां पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, ये दो वैल्यू बताना आपको, तो जल्दी बताइए।
सकीना का आंसर आया 10 और साफिया का भी 10 आ रहा है। जल्दी बताइए जो कल क्लास किए हैं, जल्दी कीजिए क्योंकि ये सब क्वेश्चन करने में आपको मैक्सिमम 30 सेकंड टाइम देना है, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि रिलेटिव कंसेप्ट से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना, आपको सिंपली बस जो भी आपका जो बेसिक इक्वेशन है कि भैया जब मैन दौड़ना शुरू हुआ तो उसका डिस्टेंस कितना होगा और बस का डिस्टेंस क्या होगा आफ्टर टाइम टी, उसको इक्वेट कर दीजिए। यहाँ रिलेटिवली सॉल्व करना जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपको रिलेटिवली लेना रिलेटिव डिस्टेंस और टाइम अपॉन डिस्टेंस वेलोसिटी, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका डिस्टेंस मान लीजिए आपका आफ्टर टाइम टी, ठीक है कि टी समय के बाद जो मैन वो कैच किया, तो आफ्टर टाइम टी मैन विल बी एबल टू कैच द बस या टू केट द बस, जो भी आफ्टर टाइम टी द मैन विल बी एबल टू कैच द बस। टी समय के बाद जो भी है, हो सकता है कि आपका जो क्वेश्चन हो वो थीफ पुलिस प्रॉब्लम, कि पुलिस जो चोर है आगे भाग रहा है और उसको पकड़ने के लिए पुलिस आ रहा है, बस आगे जा रही है उसको पकड़ने के लिए जो पैसेंजर है जो मैन है वो, तो कोई भी फॉर्म में आपका क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, सो आफ्टर टाइम टी द मैन विल बी एबल टू कैच द बस, तो यहाँ पे क्या होगा आपका टोटल डिस्टेंस, अगर आप मैन का देखें यहां से दौड़ना शुरू किया, मान लीजिए यहां पर ही आके मिला है, ठीक है आफ्टर टाइम टी मान हम एक पॉइंट मानते हैं कि लोग दोनों यहां पर मिला इस पॉइंट पर, ये पॉइंट को हम बोल रहे हैं कि पॉइंट पी पर ये दोनों कैच किए, बस को ये गेट कर लिया, बस को वो ओवरकम कर लिया, पकड़ लिया। तो यहां तक डिस्टेंस क्या होगा, तो सिंपल हमको पता है इसका स्पीड दिया 15 मीटर पर सेकंड और हर समय आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो x = ut + half at square, तो यहां पे एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा जीरो क्योंकि यूनिफॉर्म है, और डिस्टेंस कितना होगा तो सिंपली स्पीड इंटू टाइम, तो यहां डिस्टेंस ऑफ मैन कितना आएगा 15t, कितना आएगा 15t। अब ये बस भी आ रहा है तो बस का डिस्टेंस कितना होगा भाई, बस का डिस्टेंस यहां से ये जो भी चलना शुरू किया इसका डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बस, आपको पता क्या ut प्लस हाफ at square, तो इनिशियली जब बस स्टॉपेज पर था तो वो क्या था रुका हुआ, अब कुछ समय के बाद चलना शुरू किया तो इनिशियली द बस वाज एट रेस्ट, तो u इज इक्वल टू एट जीरो, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बस कितना आएगा हाफ, एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या 1, तो ये क्या डायरेक्टली t स्क्वायर बाय। तो जब ये डिस्टेंस बराबर होगा, ठीक है जो भी बस यहां से भागा और ये यहां से यहां तक गया, जब दोनों डिस्टेंस बराबर होगा तो वो समय क्या होगा मैन विल एबल टू गेट द बस, तो ये डिस्टेंस कंपेयर कर दीजिए तो कितना आएगा आपका t स्क्वायर बाय 2, ठीक है 15t माइनस 150 इज इक्वल टू कितना, तो t स्क्वायर बाय 2, समझ में आ रहा है। या तो वैसा समझिए कि ये जो 150 है ऑलरेडी आप यहां से डिस्टेंस लिए, यहां से जब दौड़ना शुरू किया तो यहां से हमने टाइम का कैलकुलेशन स्टार्ट कर दिया जब तक वो बस को कैच नहीं करता, तो भैया टाइम टी मतलब क्या है यहां से लेकर यहां तक का टाइम, तो हमने यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल दिया, तो इसमें जो 150 मीटर गिवेन है वो इसी में इंक्लूड हो गया, अलग से ऐड नहीं करना, तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे कि पहले जो रिलेटिव डिस्टेंस है बिटवीन द बस एंड पैसेंजर वो इतना है, माइनस कर दी और इज इक्वल टू व्हाट, यहां से डिस्टेंस कितना है बस का, तो t स्क्वायर बाय 2, तो दोनों बराबर होगा। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 15t टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन कितना होगा, तो पहले तो ये 150 का जो गैप है प्लस जो बस यहां से यहां तक गया तो कितना गया, तो 150 प्लस t स्क्वायर बाय 2, 150 प्लस t स्क्वायर बाय 2, तो ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा इक्वेशन क्या होगा, देखिए डायरेक्टली
यहाँ क्या होगा 15 × 2 = 30, ठीक है, -300 - t²=0, ठीक है, 30t - 300, ठीक है, -t²=0, माइनस कॉमन ले लीजिए, इक्वेशन बना लीजिए क्वाड्रेटिक का, क्योंकि फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² + bx + c = 0, तो पहले जो स्क्वायर का फंक्शन आपको आगे लिखना है तो यहाँ पे क्या लेंगे t², फिर ठीक है, तो ये क्या आएगा आपका, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा -30t, और ये माइनस था तो ये क्या होगा प्लस आपका 300 = 0, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहां से दो टाइम का वैल्यू मिलेगा, दो टाइम का रूट मिलेगा, तो आप निकाल लीजिए, ठीक है, एक क्या होगा आपका, तो यहां पर अगर हम बेसिक सॉल्व करेंगे तो 20 और 10 अगर होता तो 20 10 तो आपका यहां पर 30 आ जाता, पर यहां पर 200 चाहिए था, कितना चाहिए था 200, यहां 300 है, तो आपको इक्वेशन लगाकर सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन हमें पता है कि a = क्या है 1, b = क्या है -30, और ये जो c है कांस्टेंट है क्या है आपका 300, हमें दो रूट का वैल्यू पता है, कैसे निकलता है, दोनों रूट मान लीजिए अल्फा और बीटा, फॉर्मूला क्या होता है -b + - अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac, ठीक है, अपॉन 2, तो वैल्यू क्या होगा माइनस बी, देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 60, क्या हो गया 30, ठीक है, ये माइनस है बी, और यहाँ ऑलरेडी फॉर्मूला में क्या होगा रूट में माइनस, प्लस माइनस दो रूट आएगा, दोनों कंजुगेट होगा, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या है b² - 4ac, b² तो -30 का स्क्वायर क्या होगा 900, ठीक है, -30 का स्क्वायर क्या होगा 900, -4a 1 है, पर c का वैल्यू यहाँ पे क्या आपका 300, तो 4 × 300 कितना आएगा 1200, कितना आएगा आपका 1200, फिर से देखिए b² - 4ac, ठीक है, तो 30 का स्क्वायर क्या होगा 900, और यहाँ क्या हो रहा 4ac, ठीक है, तो 4 × 3 = 1200 अपॉन 2a, ठीक है, तो यहां से वैल्यू क्या आएगा आपका अल्फा और बीटा 30 + - यहां रूट में क्या आएगा -300, ठीक है, 1200 में 900 किया क्या होगा -300 / 2a, a का वैल्यू 1 है तो 2 ही रहेगा, a का वैल्यू क्या है 1, ठीक है, तो ए का वैल्यू जो ए का कॉफिशियंट है x² का t² का कॉफिशियंट क्या 1 है, तो यहाँ पे 1। अब यहां से आप देख सकते हैं जब भी डी का वैल्यू लेस देन 0 हो, ठीक है, जब भी डी का डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जब लेस देन 0 हो तो वहां पे रूट क्या आता है इमेजिनरी रूट आता, रियल रूट कभी भी नहीं आता, जब डी इक्वल टू 0 तो वहां क्या होता है आपका रियल और रिपीटेड रूट, डी इज ग्रेटर देन 0 तो क्या आएगा रियल एंड अनइक्वल रूट, जब d का वैल्यू लेस देन 0 हो, ठीक है, स्मॉलर देन 0, ठीक है, तो वहां पे आयोटा फॉर्म मतलब क्या आपका इमेजिनरी रूट आएगा, इमेजिनरी मतलब क्या कभी भी पकड़ नहीं सकता हो, तो इसका आंसर क्या आएगा कि मैन कभी भी बस को पकड़ नहीं सकता, इसका ये आंसर रहेगा, जो भी फोर्थ ऑप्शन में जो रहता कि विल नेवर कैच द बस, तो आपका करेक्ट आंसर क्या था, क्योंकि यहां से बाहर क्या आएगा आपका, ठीक है, अल्फा और बीटा मान लीजिए दो रूट अगर निकालना भी है तो वैल्यू क्या होगा, तो ये 30 + - देखिए 300 है, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं क्या 3 × 100, क्या लिखेंगे 3 × 100, तो 100 से बाहर क्या है आपका 10, और यहाँ क्या होगा -3, क्योंकि -3 को बाहर नहीं कर सकते आप, ठीक है, तो -3 × 100, तो 100 का रूट क्या हो गया 10 बाहर गया, और अपॉन 2, तो एक रूट क्या मिलेगा आपको, एक रूट मिलेगा अल्फा का, ठीक है, अल्फा का वैल्यू मिलेगा आपको 30 + 10, और ये ठीक है, इसको क्या लिखेंगे 3i,
or upon to. This is what upon to. And the another root is what? Just conjugate of the alpha. So the beta is what? 30 minus 10 into 3 pi upon 2. तो यहां से क्या आएगा आपका 10 into 3 मतलब क्या? हाँ, तो alpha root is what? 30 plus 30 I upon 2. आप 30 कॉमन भी ले सकते हैं, तो क्या आएगा 1 plus 15 I डायरेक्ट. तो यहां से क्या आएगा आपका 1 plus और ये क्या आएगा आपका 15 I कॉमन लेने पर. 30 जब कॉमन लिए, ठीक है, 30 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा यहां पे 1 plus I upon 2. सॉरी, जब आप 30 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 30 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 1 plus I और ये अपॉन टू, ये क्या आएगा 15 और 1 प्लस आई. और एक क्या आएगा बीटा, जो रूट आएगा वो क्या होगा 15 1 माइनस आई. तो ये इमेजिनरी रूट है. मतलब क्या, द मैन विल नेवर कैच द बस, द मैन विल नेवर एबल टू कैच द बस. तो आपका क्वेश्चन ये था, आपको पहले रूट देखना है. जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यू हैव टू फॉलो द रूट. अगर आपका इमेजिनरी रूट है तो आपको पता होना चाहिए क्या कि जब भी डी का वैल्यू लेस देन जीरो है तो वहां पर रूट्स क्या आएगा, इमेजिनरी. मतलब टाइम का जो वैल्यू वही इमेजिन है, कभी पकड़ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं. तो हमने क्वेश्चन थोड़ा घुमाया, आप घूम गए, किसी का आ रहा 10 सेकंड, किसी का आ रहा 20 सेकंड, ठीक है. तो क्वेश्चन ये था. एक क्वेश्चन और कीजिए इसी में, इसमें हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं जिसमें फाइनाइट वैल्यू आएगा, ठीक है. अभी दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है. दूसरे क्वेश्चन में हम बोल रहे हैं इसका वेलोसिटी 20, बस 20 चेंज कर दिया. ठीक है, सारा क्वेश्चन वही है. द वेलोसिटी ऑफ मैन, द वेलोसिटी ऑफ पैसेंजर विच इज बिहाइंड द बस, नाउ इट इज रनिंग विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द बस. Approaching towards the bus. So at what time, after what time, the man will able to get the bus? The man will able to catch the bus. जल्दी बताइए. हेलो, हाँ तो आ जाओ और डायोड पर आना.
इसका आंसर आया बताइए, 10:30 अनस का है और ऐशा ऐशा का भी। सही आंसर है बिल्कुल 10:30। बिल्कुल सही आंसर, पर बहुत कम का रिप्लाई आ रहा है। रहमान शेख का सही आंसर है, मुजक्किर हसन गलत आंसर है मेरे भाई। ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं मेरे हिसाब से, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इक्वेशन क्या बनेगा हम बता दें, इक्वेशन क्या होगा यहां से, इक्वेशन क्या होगा तो ये क्या होगा 20 20। ठीक है, और इक्वेशन क्या होगा तो 20t-150 = t²/2। ठीक है, तो डायरेक्टली बस शॉर्ट में सॉल्व कर रहे हैं। यहां से इक्वेशन क्या होगा आपका तो 20t, ठीक है, 40t-300-t²=0। एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्वेश्चन क्या होगा आपका तो 40t-300-t²=0। तो मेरा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्या होता है, ax² + bx + c = 0। इस फॉर्म में इसको अरेंज कर लेंगे, मतलब t², ठीक है, फिर क्या आएगा आपका, तो यहां पर आएगा आपका -40t, क्योंकि माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो t² - 40t और ये +300 = 0। ठीक है, t² - 40t + 300 = 0, माइनस कॉमन ले रहे थे, रूट क्या आएगा तो यहां देखिए ये 40 है और यहां आपका 300। ठीक है, 20 का स्पीड है ना ये, हाँ, तो यहां पर क्या आएगा t-30 और t-10, ठीक है, = 0, क्योंकि -30 -10 क्या होगा -40 भी, और 30×10 का मल्टीप्लाई क्या होगा 300, तो दो रूट आएगा t = 30 और t = 10। ठीक है, तो इन दो टाइम पर, मतलब पहले t = जब 10 सेकंड हुआ तो उस समय वो ओवरकम किया, बस के सामने पहुंचा, ओवरटेक किया, बट द फाइनली एट द t = 30 सेकंड वो आपका बस को कैच करेगा। ठीक है, अभी हमको और पढ़ाना था रेन अम्ब्रेला, पर अभी क्या है जो एक यहाँ पे स्कूल है सेंट जॉन स्कूल, ठीक है, तो उनके फादर आए, मतलब जो प्रिस्ट होते हैं प्रिंसिपल, तो अभी अचानक थोड़ा सा क्लास रोकना पड़ेगा क्योंकि गेस्ट है और अभी अचानक हुआ है, तो उनसे थोड़ा कम्युनिकेशन करना, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, ठीक है।